एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग को मैंने कर दिया स्टार्ट, और वो भी किचन से। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, और आज हम बनाएंगे ये चिल, बोलते हैं इसको हमारी भाषा में चिल, और आप इसको पता नहीं क्या बोलते। ये खेत में ऐसे ही उगता है शायद। वैसे तो सभी सब्जियाँ खेत में उगती होगी, आप सोच रहे होंगे कि शायद इनके वहाँ पर कुछ और तरीके से उगाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, सभी सब्जियाँ खेतों में उगती है। बट पता नहीं इसको, मुझे नहीं पता कि ये कैसे क्या रहता है। तो बस इसकी सब्जी बनाना आती है मुझे, छाछ डाल के इसकी सब्जी बनाते, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले, क्या वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। तो चलिए मैं सब्जी बनाती हूँ फटाफट से। हमारे यहाँ कौवा बोलते हैं, चील नहीं, वो वाला चील नहीं जो बर्ड नेम होता है ना, चील जो उड़ती है, वो उससे डर लगता है, वो वाला चील नहीं है। कौवा नहीं बोलते, कौवा ही बोलते। चील ये इसी चील है, उड़ती नहीं है, ये तो तपेली में बैठ जाती है, और इसको पता है बनाना पड़ता है, और फिर इससे बर्तन गंदे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उन बर्तनों को धोना पड़ता है। ऐसी चील हमको नहीं चाहिए, हमें हमारा कौवा दे दो भैया, छत पे बैठ जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा। तो चलो गाइस, मक्की की रोटी बनाएंगे, और मुझे नहीं बनाना आती है, मोना बनाएगी, मैं सिखाऊंगी। और मुझे भी बनाना नहीं आता, मैं भी यही सोच रही हूँ। आटा तो मैं इतनी खुशी खुशी लेकर आई थी, बट पता नहीं कि बनेगी कि नहीं बनेगी। देखो मैं आज आधा किलो आटा लेकर आई हूँ, तो देखते हैं मक्की की रोटी बनती है। पैसे देने पड़ेंगे, आटा कितने का अभी कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये सब चलता रहता है, बट उनके ऊपर नहीं बोलते, बाद में बात करेंगे आपसे, ठीक है? चलो, एक चिल के लिए मेरा हाथ ही काफी है, आपका हाथ काफी है कि नहीं? देखिए ये है ना, अभी जो पत्ते दिखाए थे ना, वो कुछ इस टाइप से हमें हाथों से मेश करने, वो जो सच में वाकई में बहुत अच्छे से मेश होगा। इसको देख के ऐसा लग रहा है सरसों का साग बनेगा, कितना मजा आएगा यार मक्की की रोटी खाने में। इधर हम मिर्ची को फ्राई करेंगे, ये धनिया रखा है हमारा, और अभी आटा मारा रखा है, ये छाछ निकाली जा रही है फ्रिज में से। और आप सोचोगे छाछ को ऐसे बांध क्यों रखा है, क्या पता है कहीं भाग ना जाए, वो इसलिए बांध रखा है कि इसको घर से लाए थे ना, और बॉटल कुछ और है, ढक्कन कुछ और है, आपको स्प्राइट भी नहीं है क्या? वाइट वाली स्प्राइट हमारे यहाँ मिलती है, इसलिए बांध रखा है कि घर से लाए थे तो कभी ढूंढ ना जाए, इसलिए इसको बांध बुना के रखा है। तो ये स्प्राइट पियेंगे, बिल्कुल स्प्राइट। तो देखिए गाइस, इस चीन में हम डालेंगे थोड़ा सा स्प्राइट को, स्प्राइट तो नहीं खानी, खट्टी खाएंगे स्प्राइट ये हमारी बस। ने मिक्स क्यों नहीं करी छाछ को, सारा ऊपर का पानी पानी डाल दिया ने, चूतिया बना दिया मेरे को। नहीं तो हाँ, इतनी सी तो छाछ है ना, थोड़ी सी गाड़ी डाल बेटा, वो पानी था, अब आएगी गाड़ी गाड़ी बस। तो गाइस हमारी चील बन चुकी एकदम व्हाइट सफेदी। तो चलिए अब इसको बघार लगाएंगे, कैसे बघार, मेरे को तो आता ही नहीं है, मोना बना रही है, मैं तो देख रही हूँ कैसे बनाते हैं आज इसको। चलिए मैं हाथ धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून किया है बेसन को ऐड, बस इससे ज्यादा नहीं करी है, पानी ऐड कर लिया था, हाँ पानी तो ऐड कर ही लिया था, नहीं तो छाछ बहुत खट्टी है ना, तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो गाइस इसे खोलते हुए तेल में हम मिर्ची डालेंगे, और वो कैसे पड़ हो जाएगी, तो फट से हम उसे ढक देंगे। देखिए गाइस, हो गया ढकना, अब एकदम से फूटेगी, एकदम गर्म हो दो उसको अच्छे से। तो तेज आज बड़ा उसकी, गैस कम चल रहा है देखो तो, हाँ अब बड़ा है, गैस टंकी भरवानी है मालूम, हाँ चलो इतना जोर से तो कुछ हुआ ही। अरे अरे उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, ढक नहीं उड़ रहा, फिर भी आप ढक दे, अगर गैस चल रहा है, धीरे चल रहा है थोड़ा सा, गैस को क्या पता बीमार हो गया शायद सर्दी की वजह से, सर्दी तो है नहीं पर गैस जरूर बीमार हो गया। तो इधर हमारी लहसुन कुटी जा रही है, कुट 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 कुट, ये किसके घर पे कमेंट में बताना मुझे, कितना बढ़िया लगता है ना छोटा सा। ये मिर्च मस्त फ्राई हो रही है, अच्छा है, भगवान की दया से उड़े, ए ढक दे ढक दे, अब उड़ेगा, अब इसका आतंक मचेगा देखना, पहले से उसको ढक दिया बेचारे को, आतंकवादी को हमने घेर लिया। गाइस अब पनीर की हमारी सब्जी, यहाँ पर हम डाल रहे हैं हींग, तो आप देख सकते हैं हींग एकदम मस्त तड़का लग गया है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, उसके बाद में हम इसमें करेंगे थोड़ी सी लहसुन को ऐड। गैस को पता नहीं क्या हो गया यार, देखो तो कितना धीमा चल रहा है, धीरे चल रहा है, ऐसा तो नहीं गैस टंकी खत्म हो गई, देखिए मुसीबत में मुसीबत आ जाएगी। मैंने पहले ही बोला, मैं इतने दिन से बोल रही गैस टंकी भरवा लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी सब्जी है, और बहुत टेस्टी लगती है ना चील की सब्जी। और गाइस देखिए यार, ये ऐसे काम नहीं चलेगा यार, मैं नहीं करूँगी इसको साफ, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, अच्छी लगती है, ये बहुत सिंपल सा तड़का लगता है ना, तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, क्यों ना। और ये हल्दी बिखर गई, इसका क्या करें आप, ये तो चाटेगी जीबान से। अभी इसको हाथ मत डालो, अब डालो नमक, नमक उसमें नहीं डाला ना, हाँ नहीं डाला, डाल दो थोड़ा सा बस, मिर्च डालो, बदल जाएगी लहसुन, मजा नहीं आता मेरे को, लहसुन थोड़ी कच्ची अच्छी लगती है। यहाँ पर जाएगी अब हमारी मिर्च बस, लाल बस, तो ये हो गई सब्जी रेडी, अब इसमें तड़का लग जाएगा मस्त वाला। डन डन डन, चलो इसको उबालेंगे, फिर आपसे मिलेंगे, यही हो जाएगा 3 मिनट का, तो फिर क्या होगा गाइस।
तो गाइस ये देख लिया आटा चार लिया और ये खुद एक्सपर्ट आती तो नहीं है पर बनाने बैठ गए हैं। सब्जी तो बनी नहीं लग रही कि बनेगी क्योंकि ऐसा लग रहा है हमको एक घंटा लगेगा एक रोटी बनाने में, तो हम पहले से भिड़ गए मस्त। कभी बनाएंगे। और ये सब्जी भी अभी उबाल नहीं आया है, बस आने ही वाला है, तो इसको जल्दी से, ये तो पकी हुई है यार। तो गाइस देखिए मेरा नंबर बाद में आएगा, पहले मैडम ने रोटी बना ली और वो भी अच्छी खासी मक्की की रोटी। पता नहीं वो बीच में से थोड़ी सी हो गई पर ठीक है चले गए, बीच में थोड़ी सी पतली हो गई और आसपास से थोड़ी सी मोटी, ये देख सकते हैं आप। और सब बोलते हैं कि वो पॉलिथीन से भी बनाते बट हमने तो हाथ से ही ट्राई किया है, देखो जैसे तैसे भी बनती खा लेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं घी निकाल लेती हूँ फ्रिज में से, घी लगाएंगे रोटी पे अच्छी लगती है। रोटी भी बन गई है और ये पहली वाली जो रोटी उस पर अच्छे से सेक लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी मोटी है ये रोटी, ये नहीं होगी तो इसको आराम से सेकेंगे। और इसको अच्छे से बना रहे हैं दीदी क्योंकि टाइम है अभी तो उसको सीखने में, तो इसको अच्छे से बना रहे हैं। देखो हाथ से कलाकारी चल रही है इधर। और यहाँ मैंने घी निकाल लिया है तो अब घी रोटी पे घी लगाएंगे गर्मा गर्म। और सरसों का साग तो नहीं बनाया है, थोड़ा सा जैसे फीलिंग वाली सब्जी बनाएंगे। दे इसको पकड़, सीखने दे उसको, कुछ नहीं होगा। ऐसे कर कर के हम सारी रोटी बना लेंगे, फुल तो नहीं रही है बट इसको सेकना तो पड़ेगी ना अच्छे से, सेकना अच्छी होना। और ये आटा तो गैस चला दे, इधर भी गैस चलाती हूँ। चलो और ये पतले पे बनेंगे, मैंने इसमें शूट कर लिया तूने रोटी, बस बाद में करेंगे गाइस, हम ये बना लेंगे मत कर। वो क्या वीडियो थोड़ा कम का था ना, मैंने कहा ये उसमें हो जाएगा, ये मैं भी लगा देती हूं गरमा गरम रोटी पे, वो पलटा दोगे क्या? अभी नहीं हुई ना, बाद में पलटा दे। कितनी हो गई ये बना लेंगे, थोड़ा सा आटा रख के उल्टा मंडी है ना, इसको मसल लो यार थोड़ा सा रख लेते, अभी नहीं हुई ना ध्यान रखना। बन चुकी है और नीचे है घी वाली और ये लास्ट की है, पर मैं इस पे घी नहीं लगाऊं क्योंकि काफी सारा काफी ज्यादा बन गई है। तो कई लोग मक्की की रोटी सोची नहीं थी कि बन जाएगी बट पता नहीं कैसे बन गई यार, ये आटा थोड़ा अच्छा था या फिर क्या पता क्या था उसमें मिक्स आटे में, जो अच्छी खासी रोटी बन गई हमारी। और ठंड के टाइम पे और यहाँ ठंड है पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, पंखा चलाएंगे और खाना एंजॉय करेंगे। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और मक्की की रोटी खाना हो तो जल्दी से आ जाइए, नहीं तो मैं खा लूंगी सब रोटी। चलो बाय बाय।